आखिर क्यों हुआ है अलमट का अंतिम संस्कार जिसमें राजनेताओं ने भी लिया भाग। महाराष्ट्र का पुणे शहर एक बेहद विचित्र कार्य के लिए चर्चा में है। पिछले साल पुणे पुलिस ने दोपहिया वाहन सवारों के लिए हेलमेट का उपयोग अनिवार्य कर दिया था। तब से पुणे की जनता का एक बड़ा हिस्सा नए कानून का विरोध कर रहा है। कानून 1 जनवरी 2019 से लागू हुआ और पुलिस ने मोटर चालकों को नए अनिवार्य हेलमेट नियम का पालन नहीं करने के लिए 9,500 से अधिक जुर्माने लगाए हैं। पुणे के एक समूह हेलमेट शक्ति विरोधी कृति समिति हेलमेट शक्ति विरोधी कृति समिति ने नए शासन के खिलाफ विरोध करने के लिए एक हेलमेट के अंतिम संस्कार समारोह का आयोजन किया। शासन के प्रभाव में आने के 10वें दिन अंतिम संस्कार किया गया। इस पूरे आयोजन की अगुवाई एक शिवसेना नेता महादेव बाबाई कर रहे थे। उन्होंने पुलिस प्रशासन की जमकर खिंचाई की और सभी दोपहिया वाहन सवारों के लिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया। नवगठित समिति के प्रमुख के अनुसार राजमार्गों के लिए हेलमेट अनिवार्य किया जा सकता है, लेकिन उन्हें शहर की सीमा के अंदर की आवश्यकता नहीं है। जहां 20-30 किमी घंटा दोपहिया वाहनों द्वारा अधिकतम गति प्राप्त की जाती है। प्रदर्शनकारियों ने यहां तक कहा कि वे जुर्माना देने से छूटने के लिए अपने पगड़ी पहनना शुरू कर देंगे। दिलचस्प बात यह है कि सिखों को हेलमेट पहनने से छूट है, क्योंकि हेलमेट उनके पगड़ी में फिट नहीं हो सकते। पुणे की पुलिस ने नए नियमों को लागू किया था, जिसके पीछे वजह पुणे की सड़कों पर दोपहिया वाहन से हो रही दुर्घटनाएं हैं, जिसके कारण 184 लोगों की मौत हुई थी। इस विषय पर पुणे से सांसद अनिल शिरोले ने कहा कि आज के समय में अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनना सबसे जरूरी है। पुणे निवासियों ने पहले पत्रकार भवन से पुलिस कमिश्नर के कार्यालय तक बिना हेलमेट के सवारी करते हुए हेलमेट का विरोध किया। काफिले में सैकड़ों प्रदर्शनकारी सवार थे। इसी बीच मौजूद पुलिस ने बिना हेलमेट के सवारों की तस्वीरें क्लिक की और इलेक्ट्रॉनिक चालान जारी किए।